हाय, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया की कॉम्पिटिटिव रोड मैप यानी कि इकोनॉमिकल लेसन के साथ। इसी के साथ हम लोग कॉम्पिटिशन बिल देखेंगे। एक बिल आ रहा है कॉम्पिटिशन बिल, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी और क्या क्या प्रोविजन इस बिल के तहत लाया जा रहा है। क्योंकि बिल इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट अनटिल एंड अनलेस जब तक वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी कोई मायने नहीं रहती। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज के डेट में इतना ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा डिबेट डिस्कशन चलते रहते हैं। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डेटास वगैरह मिलेंगे, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पर डिजिटल टैक्स है। अगेन, डिजिटल टैक्स एक बार न्यूज़ में आए तो समझेंगे क्यों न्यूज़ में आए, और इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो अगर नहीं पता है तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। देन आरआरबी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। आरआरबी को लेकर यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि हर एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक दो आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, जो कि है इंडियाज़ की कॉम्पिटिटिव रोड मैप। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर इनके द्वारा रिलीज़ की गई है, कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस है, इसी के साथ कोलैबोरेट करके ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। अब इस समझते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इंडिया में कहाँ तक हम लोग जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हमारे इकॉनमी में, ट्रेड में, हर जगह है। तो देखिए, कंपटीशन जैसे कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप काफ़ी फैमिलियर है, क्योंकि आप भी खुद कंपटीशन में हो, आप भी एग्ज़ाम के कंपटीशन में हो, और आपको पता है कि एक कोई भी एग्ज़ाम जो होती है, चाहे वो आप कमीशन के एग्ज़ाम ले लो, रेलवे की ले लो, बैंकिंग के ले लो, तो हर एक एग्ज़ाम की अपनी अलग डिमांड होती है, अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके डिमांड को मीट करना होता है, तभी वो कंपटीशन आप लोग हासिल जीत पाते हो उस कंपटीशन में। बस यही मुद्दा है। तो कंपटीशन कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, एक बहुत बड़ी लार्ज मार्केट शेयर है, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट है, एक्सपोर्ट हो गया, या फिर एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि कंपटीशन में, हर एक जगह आप देख सकते हो कि कंपटीशन है, हर एक जगह जो है एक लोग हो गए, एक कंपनी हो गई, एक फर्म हो गई, वो एक कंट्री हो गई, वो हमेशा आप देखो कि कोशिश करती है अगले या फिर आगे वाले लोगों से आगे निकल पाना, या फिर कुछ उनके कोई नेक्स्ट कंट्री है तो उनसे उनको बेटर कर पाना। तो कोई कंपनी है जो आप देखते हो, बहुत सारी कंपनी है, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंपटीशन करती है, तो ये भी आप देखते हो कि हर जगह एक कंपटीशन है, लाइफ ही एक कंपटीशन है जिसमें कि आप हमेशा खुद से ही जीतने का कोशिश करते हो। तो वही बात है कि कंपटीशन कहने का मतलब ही है कि कितना एक कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, जो कि उस फेज़ में है जहाँ पे वो खुद को बेटर बना रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे आपका पैरामीटर से उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये हमारे कंट्री की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसी के चारों ओर देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी में क्या है कि कितना इफेक्टिव है, इट मीन्स कि कंट्री की जो एसेट है, जैसे हमारे देश की जो पूरी तरीके से एसेट है, वो कितना इफेक्टिव है कि हम लोग इसको मोबिलाइज़ कर सके, या फिर कितने लेबर फोर्स अवेलेबल है कि हम लोग वैल्यू क्रिएट कर सके। हायर प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा हो रही है, साथ ही उसमें एबिलिटी है कि वो लार्ज शेयर, जितना भी लेबर फोर्स अवेलेबल है उसके लार्ज शेयर में एबिलिटी है कि वो इंगेज हो सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग इंडिया में देखें तो हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है, और इसी के तर्ज पे अगर हम लोग देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हुआ था, जिसमें कि हम लोग एलपीजी रिफॉर्म किए थे। एलपीजी रिफॉर्म कहने का मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म जब 1991 में किए थे, उसके बाद हमारा जो मिक्स्ड इकॉनमी से हम लोग ओपन इकॉनमी में आए, जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है अपने देश में भी करते हैं, अपने देश में डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं, साथ ही डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी करते हैं। तो अपने देश में डिफरेंट स्टेट के साथ करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि हम लोग, आप देखो कि 1991 से ये काउंट किया जाता है कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस है। कॉम्पिटिटिवनेस है तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। ओके,
अगर हम लोग देखें कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है कॉम्पिटिटिवनेस का, ये सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड नहीं करता, सिर्फ जितनी भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है पैरामीटर्स है सिर्फ उसमें ही डिपेंड नहीं करता, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी कंट्री है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि उस देश की सरकार कैसी है, सरकार का काम करने का तरीका कैसा है, कितनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट कहने का मतलब है कि कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर पा रहे कि नहीं, और जितनी भी उनकी योजना है स्कीम है वो बेसिक आप देखो कि जो बेनिफिशरीज़ है उन तक उनकी जो जो भी स्कीम है उनका लाभ उनको मिल पा रहा है कि नहीं। ह्यूमन कैपिटल कितना है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज आप देख सकते हो कि अगर उस देश के लोग हैं तो वो कितने कितने कैलिबर है, कितने कॉम्पिटिटिव है, और कितने लोग हैं जिन जो कि अर्न कर रहे हैं, कितने एडल्ट्स हैं जो कि आज भी डेट में अनएम्प्लॉयड है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है। साथ ही एक देश में कितना इनोवेशन होता है ये आज के डेट में बहुत मैटर करता है। साथ ही रिजिलेंस कितना है ये भी देखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो रैंक है वो आज की डेट में इम्प्रूव हो गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। कहाँ हम लोग 43rd में थे और ये इम्प्रूव होकर आज की डेट में 37 में है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ रही है। और ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो आप देखो कोई भी इंडेक्स कोई भी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उसके पीछे कौन सी इंस्टीट्यूट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये आपका रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अब समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। चलिए, ये तो बात अच्छी है कि हमारे देश में इनोवेशन हो रही है, हमारे देश में कंपटीशन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस है जो कि हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिवनेस की जो क्राइटेरिया है, जो एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसको मीट करने में हमें क्या क्या हर्डल्स फेस करना होगा, इसे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चैलेंज है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इंडिया की इंडिया की जो सोशल प्रोग्रेस है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उसी के साथ अगर हम लोग अपने देश की जो सोशल प्रोग्रेस को देखें, ना कि इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है, और आप ये तो जानते हो इनइक्वालिटी हर एक जगह पे है, तो इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है, और किस तरीके से हम लोग कन्वर्जेंस जो हमारे रीजन में हो रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगा कि उसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी सोशल प्रोग्रेस है वो कितना हो रहा है जीडीपी ग्रोथ के साथ, इसको यहाँ पे देखना है। साथ ही जॉब चैलेंज के बारे में बात किया जा रहा है कि कितने हमारे देश में जॉब जो है क्रिएट हो रहे हैं, किसी के लिए भी, स्पेशली वुमेन के लिए भी बात किया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में आप देखो जितने भी मेल है उनके लिए तो जॉब रहता ही है, लेकिन वुमेन के लिए जो कि अपने घर से बाहर निकल कर आ रही है जॉब करने के लिए, तो उनके पास कितना यहाँ पर जॉब की फैसिलिटी रखी हुई है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, देखिए पॉलिसी तो बन जाती है, सरकार की बात करूँ तो वो पॉलिसी जो है वो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है इस पे मैटर करता है। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म देखें जो कि 1990 से हो रहा है, तो जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को लेकर, जॉब क्रिएशन को लेकर, ग्रोथ ऑफ फर्म्स को लेकर, तो ये भी अगर हम लोग देखें तो इस पे भी बात उठती है। तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी को बनाना ही बड़ी बात नहीं होती, उससे बड़ी बात होती है कि वो पॉलिसी को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को शिफ्ट करना, अगर लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, तो वॉर हो रही है, इवन आप देखो कि वेस्ट एशिया में जो इज़राइल पैलेस्तीन का यहाँ पे फंडा है, रशिया यूक्रेन एक नया वॉर निकल कर आया है, क्लाइमेट चेंज भी आप लोग देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। साथ ही चेंजिंग पैटर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक फिक्स आप कह सकते हो कि पहले एक डेफिनेशन हुआ करता था, बट आज के डेट में वैसा नहीं है, एक काफ़ी अलग सा ग्लोबलाइजेशन का एक पैटर्न चलते जा रहा है, तो उसको भी देखना होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग हर चीज़ जो है डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो इस पर भी फोकस करना होगा। कैसे जो ट्रेड डिसरप्शंस हो रही है, यानी कि जो व्यापार है वो बर्बाद हो रहा है, उसको मैनेज करना है। एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस करना है, कई बार आप देखते हो कि हम लोग स्पेशली अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग वेस्ट एशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल वगैरह के लिए, और वेस्ट एशिया में अगर कुछ परेशानी हो जाती है, झगड़े वगैरह कुछ हो जाते हैं, जैसे वॉर वगैरह आप देखते हो, तो हमें तेल के लिए सोचना पड़ता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यूएस के द्वारा सैंक्शन भी लगा दिया गया था ईरान पे, और हमें मना भी कर दिया गया था कि हम लोग ईरान से जो है ऑयल इम्पोर्ट ना कराएं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जिस तरीके से पैंडेमिक ने सारी हालत
बर्बाद करके रखी है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बर्बाद हो चुकी है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मिसमैच हो गया है। तो ये आप देख सकते हो कि पैंडमिक के बाद हालत ख़राब हो गई, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स है वो भी हम लोग देखते हैं, सप्लाई चेन बॉटलनेक हो चुका है। तो ये सब जो है जिस तरीके से ट्रेड डिसरप्शंस हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी है, जीडीपी ग्रोथ है, तो इस सब पे हम लोग को फोकस करना होगा। तो ये सारे मेन चैलेंजेस है कि कैसे हम लोग इन सबको ओवरकम कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया और किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या उसके ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो सबसे पहली जो यहाँ पे इनिशिएटिव है कि फूड सिक्योरिटी पर मेंटेन करना है। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हो कि आज के डेट में हम लोग क्या है कि एक्यूट शॉर्टेज नेशन से हम लोग यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। एक समय था जब भारत के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भोजन तक नहीं था, अनाज का एक अन्न तक नहीं था, बट आज के डेट में आप देख सकते हो कि हमारे पास भोजन तो है ही। हम लोग अपने देश की जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इनको हम लोग फीड करवा पा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग वर्ल्ड वाइड भी जो है नेट एक्सपोर्टर जैसा उभर कर आए हैं। ऑब्स्टिकल कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो है आज भी आप देख सकते हो कि बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, मोर देन 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज भी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है, एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। जो बाबा आदम जमाने में ग्रोथ था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वही आज भी देखने को मिल रहा है। वल्नरेबिलिटी है नेचुरल शॉक्स का, शॉक वगैरह आप देखते हो कि अगर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, अर्थक्वैक आ जाए, या फिर आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन से परेशानी होती है, या फिर आप देखो कि गर्मी है तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है, ठंड है तो ठंड ही बहुत पड़ रही है, जिसके कारण जो है बारिश भी आप देखते हो कि मानसून कंट्री होने के बावजूद भी अगर बारिश सही से नहीं होता है, रेनफॉल सही से नहीं होती है, तो उस पर भी एक परेशानी होती है। तो ये सारे कुछ मेज़र ऑप्टिकल्स है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देख पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनिशिएटिव है कि लिबरलाइजेशन करना है, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 से, तो उसको लिबरलाइज किया जा रहा है, स्वतंत्र रूप से हमारा जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जा रहा है। इट मीन्स कि हर एक लोगों को, चाहे वो कंपनी हो, लोग हो, फर्म्स हो, हर किसी को यहाँ पे आप देखो कि अच्छे तरीके से एक आराम से बिजनेस कर सके, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी तरीके का उनको परेशानी ना हो, तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब इसमें ऑब्स्टेकल है कि हमारे देश में आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बूस्ट नहीं है। बेसिकली इकोनॉमी का तीन सेक्टर होता है जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर भी बेटर है, सर्विस सेक्टर सबसे बेटर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल वो 15-17% ही है जीडीपी का। लिमिटेड ग्रोथ हुआ है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन उस हिसाब से नहीं है। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट है जिसके वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी फ्लोरिश नहीं हो पाया। एजुकेशन के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनिशिएटिव है कि ओवर 250 मिलियन स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है, ये कंटिन्यूसली जो है जेंडर पैरिटी में आप देखो कि इम्प्रूव हो रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग बात करते थे पहले कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना है, सिर्फ बच्चों को भेजना है, मेल चाइल्ड को भेजना है, फीमेल को नहीं भेजना, लेकिन आज के डेट में ऐसा कम देखने को मिल रहा है। बच्चे हो या बच्चियों हो, दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ है। ऑब्स्टिकल है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, वो आज के भी डेट में बहुत कम है। इनरोलमेंट रेशियो कहने का मतलब है कि जितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं, इट मीन्स कि मेल जो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, जो स्कूल में आते हैं, तो एक समय के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखने को मिलता है कि जो गर्ल होती है उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं, या तो उनके लिए वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट नहीं होता है, या तो घर पे उनको काम करना पड़ता है, किचन संभालना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, या फिर उनकी अपनी खुद की चॉइस होती है, या फिर आप देखते हो कि पैसे नहीं होते हैं, घर की इनकम इतनी नहीं है कि लड़कियों को पढ़ा सके। आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लड़कियों को पढ़ाने पे नहीं फोकस करते हैं, पेरेंट्स लड़कियों को दहेज देने में फोकस करते हैं, दहेज के लिए सेविंग कर सकते हैं लेकिन पढ़ाने पे नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है हमारे जो हमारे देश की माइंडसेट है उसकी प्रॉब्लम ये है, इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ तो सोचिए, आप लड़कियों के पढ़ाने पे अगर पैसा खर्च करेंगे तो वो लड़की कल को खुद कमाएगी तो वो दहेज और ये सब जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगेगा, तो इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमारी जो इनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम है, ओनली 46% ही ग्रेजुएट्स जो है वो एम्प्लॉयबल है, ये देखने को मिलता है। एनर्जी सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइंग सेक्टर्स जो है, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है,
इस तरीके से आप देखो हमारे देश में तो इनिशिएटिव है ही, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा ही रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उस वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितना कैपेसिटी ऑपरेशन है, हाई पावर लॉस है, इसके कारण आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है कि इनएफिशिएंसी है, हाई डिपेंडेंसी है हमारा इंपोर्टेड एनर्जी में। स्पेशली आप देख सकते हैं कि ऑयल और गैस जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 80% जो हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट जाता है वो ऑयल और गैस में जाता है, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है। हेल्थ केयर के सेक्टर में देखें तो ये तो एक्चुअली आप देखो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है, जिसमें कि $350 बिलियन तक का ये साइज़ है और यहाँ पे 4.7 मिलियन जो पीपल है वो यहाँ पे इंगेज है। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये है कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है हेल्थ केयर में वो बहुत कम है। सरकार के द्वारा आप देखते हो कि GDP का मात्र यहाँ पे 2.1% जो है वो खर्च करती है और आम जनता के आउट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा होता है। यानी कि हम लोग अगर हॉस्पिटल जाए, हमें अगर कुछ भी है, नस जुकाम कुछ भी है, अगर हम लोग चेकअप कराने जाते हैं तो ऑब्वियस है कि सरकार के द्वारा हमें वहाँ पर फैसिलिटी कम और ख़ुद के जेब से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो ये एक मेज़र ऑब्स्टिकल है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में देखें तो आज भी आप देखो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 46 है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ओवर 100 यहाँ पे यूनिकॉर्न है। तो मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्स्टिकल है कि फ्लक्चुएशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में और वीक इंडस्ट्री एकेडमिक यहाँ पे लिंकेज है। साथ ही इशू है पुअर वीमेन रिप्रेजेंटेशन का। हमारे देश में आप देखो इनोवेशन जो किया जाता है इसमें भी आप देखो कुछ भी न्यू किया जाता है तो उसमें ऐसा लगता है कि वीमेन की रिप्रेजेंटेशन उसमें ना के बराबर है, और ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ इनोवेशन जो भी किया जाता है तो उसमें वीमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही हाई नंबर ऑफ स्टैग्नेंट फर्म है, डोमिनेंस हो रहा है कुछ फ्यू लार्ज फर्म्स का, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन कैपिटल की तरफ अगर हम लोग देखें तो क्या जा रहा है कि ओवर 12 मिलियन न्यू एडिशन हो रहे हैं वर्कफोर्स का हर एक साल, तो ये एक इनिशिएटिव है। साथ ही अर्बनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे स्लो बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, तो इसका जो ऑब्स्टिकल है ये ऑब्स्टिकल बताया जा रहा है कि 20% जो पॉपुलेशन है वो आज भी आप देखो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे इनकम इन इक्वालिटीज़ बढ़ते जा रहा है स्पेशली अर्बन एरिया में और स्टेट के अंदर, तो लो फॉर्मली जो स्किल्ड लेबर है और लिमिटेड जो जॉब अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटी है, ये सब कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जिसके कारण जो है हमारे यहाँ एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं ग्रो हो रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में देखें तो ग्रोइंग शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट का और कैपिटल इनफ्लो हो रहा है FDI में। साथ ही इसका ऑब्स्टिकल अगर देखें तो हमारे यहाँ देखो FDI वगैरह अच्छी आती है लेकिन फ्लैटनिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड ग्रोथ है। हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट ग्रोथ होना चाहिए जिस तरीके से हमारा प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट करना है, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है आज भी इस तरीके से नहीं है कि बहुत राइज हो रहा है, फ्लैट ही है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल GDP शेयर भी जो है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, शेयर अगर हम लोग देखें शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन GDP वो भी कम होते जा रहा है, और FDI ग्रोथ रेट जो है वो भी हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रही है, हाई कंसंट्रेशन जो है वो फ्यू सेक्टर्स वगैरह में देखने को मिल रहा है। तो ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या इनिशिएटिव आए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे मिडिल और हाई इनकम कंट्री की तरफ बढ़ने से बाय 2047 तक, तो हम लोग को बहुत सारे चैलेंजेस, यानी कि हम लोग जो है हाई इनकम कंट्री में काउंट होंगे 2047 तक, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही आप देखो इंडस्ट्रियल और रीजनल पॉलिसीज अगर हम लोग देखें तो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर जो है वो ऑलरेडी डिवाइड हुई है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो है वो फेडरलिज्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से हेल्दी कॉम्पिटिशन लाए, यूनियन टेरेटरी भी अपने तरीके से हेल्दी कॉम्पिटिशन लेकर आए, जिससे कि एक रीजनल इनइक्वालिटीज़ जो है वो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही जो यहाँ पे रीजनल लीडर्स है उसको इनक्रेज करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है जो कोऑर्डिनेशन है वो सरकार के तहत, और बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसी में अगर हम लोग देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में तो उसको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है, साथ ही बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनोवेशन करके रैपिड कमर्शियलाइजेशन करके ये सब। सोशल पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट करके जो कि लो स्किल्ड वर्कर्स और वुमेन के लिए हो, साथ ही लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर हम लोग को फोकस करना है जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हो सके। देखिए ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लो स्किल्ड वर्कर्स और वेमेन है, जिससे क्या हो पाएगा कि अगर सारे हमारे देश के जो लो स्किल्ड वर्कर्स और जो वेमेन है अगर वो यहाँ पे
काम करने लगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो, तो फिर समस्या नहीं आएगा कहीं पे भी। साथ ही इंटरप्राइज पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मर्ज करने की बात की जा रही है विद क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, साथ ही ग्लोबल इंडिया को बिल्ड करना है जिससे कि हम लोग इंडिया की पोजीशन जो वर्ल्ड में है उसको इम्प्रूव कर सके, और किस में, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के टर्म में। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है रिसर्च में, टैलेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि टेक बेस्ड इनोवेशन हो। ऐसी इनोवेशन कीजिए जो कि टेक बेस्ड हो, यानी कि आज के डेट में हर एक चीज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये भी उसी पे होना चाहिए। फाइन, एक ब्रॉड एम्बिशन दिखाया जा रहा है इंडिया का फ्यूचर को लेकर। तो प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो आप देखो सोशल में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि ये सोशल प्रोग्रेस के द्वारा मैच किया गया हो। सस्टेनेबल में देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कार्बन न्यूट्रल हो और इसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ अलाइन किया गया हो। सॉलिड में देखें तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है जो कि रेजिलिएंट है जिस तरीके से शॉक वगैरह आता है। शेयर्ड अगर देखें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे पूरे इंडियन सोसाइटी में ही आप देखो कि इसको शेयर्ड किया गया है। तो इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक अलग सा टर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इट मीन्स कि जो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है कॉम्पिटिशन वाला, यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा लाई जाती है, जो कि इंडिया का एक इंडियन नॉट इन ग्लोबल नेटवर्क है, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। ये डेडिकेट करता है जिससे कि हम लोग पर्पसफुल डिसमिनेशन कर सकें जो भी यहाँ पे रिसर्च और नॉलेज का बॉडी है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है, इट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, इकोनॉमिक कंपोजिशन पे, स्टेट ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट में। साथ ही माइक्रो इकोनॉमिक आप देख सकते हो कि साउंड मॉनेटरी हो, फिस्कल पॉलिसीज हो, इफेक्टिव पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट हो। पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट चैलेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो वीक स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेनली हमारे यहाँ के लोगों को आप देखो स्किल नहीं है, कितने सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि पढ़ के निकल गए हैं, बट उनको अपने फील्ड की उस तरीके से जो अप्लाइड नॉलेज होना चाहिए कि आप कॉलेज से बाहर निकले हो तो जो भी पढ़ के निकले हो तो उसको किस तरीके से अप्लाई कर सको, ठीक है। तो अप्लाइड नॉलेज की कमी है। डोमेस्टिक मार्केट जो है पूरी तरीके से हेवीली रेगुलेटेड है। एक मार्केट आप देख सकते हो उसको दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं। हाई कॉस्ट है बिजनेस का करने का। कैपिटल अगर देखें तो चैनल्ड है तो फ्यू सेक्टर। हाई बैरियर देखने को मिलेगा ट्रेड का, वो भी FDI में। FDI के लिए भी आप देखो कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनीज़ वगैरह जो है वो आते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट मेनली प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो यहाँ पे कर नहीं पाते, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा बैरियर वगैरह देखने को मिलता है। वीक स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन है, यानी कि लो डिमांड जो देखने को मिल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका लो डिमांड है, तो मेनली यहाँ पे वीक स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर है। सम डोमेस्टिक मार्केट जो है ओपनड अप है। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिनेंशियल मार्केट स्लोली ओपनड है। फॉलिंग यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड और जो FDI है वो यहाँ पे फॉल हो रहा है। हाई डिपेंड है किस पे, तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, स्पेसिफिकली कोलेबोरेशन जो कि लेवल और पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो 2014 से ही ये बताया जा रहा है। तो हर एक तरीके की प्रॉब्लम को यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन कॉम्पिटिटिव रोड मैप। एक रोड मैप है कि किस तरीके से हमारे देश में कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसको आप कोट कर सकते हो जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है ये भी हम लोग देखें, क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उस पर क्या ऑब्स्टेकल है, कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ये भी हम लोग ने यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो कॉम्पिटिशन एक्ट था 2002 उसको यहाँ पर अमेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये कंपटीशन एक्ट है जिसके तहत पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाने का मतलब ही है कि हमारे देश में जो कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट भी जो है उसके प्रैक्टिस को रोकना, प्रमोट करना और सस्टेन करना जो भी कॉम्पिटिशन है मार्केट में, साथ ही प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही इंश्योर करना जो भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है जिसको अदर पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कैरीड आउट किया गया है। कॉम्पिटिशन लॉ रिव्यू कमेटी अगर हम लोग देखें जो कि मिस्टर इन JT श्रीनिवास के द्वारा यहाँ पे चेयर किया गया था 2018 में, जिनके द्वारा ये देखा गया कि जो आज की डेट में कॉम्पिटिशन लॉ फ्रेमवर्क है वो कैसा है,
तो फर्दर इसमें उनके द्वारा देखा गया, जांचा गया और फर्दर रिकमेंडेशन दी गई कि इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें पोस्ट जो पैंडमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और आज की डेट में जो इकॉनमी में जो चैलेंजेस हम लोग देखते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमें जो हमारा जो पुराना यहाँ पे कॉम्पिटिशन लॉ है 2002 का, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ का अमेंडमेंट किया गया है। सबसे पहले कुछ सर्टेन डेफिनेशन यहाँ पे चेंज की गई है, जैसे कि इंटरप्राइज का मीनिंग क्या है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है, ग्रुप हो गए, कंट्रोल हो गए, तो ये सारे कुछ ऐसे वेक टर्म है जिसको कि मोर क्लैरिटी के साथ अभी लाया जा रहा है। साथ ही जो टाइम लिमिट था कॉम्बिनेशन को यहाँ पे अप्रूवल देने के लिए जो टाइम लिमिट था उसको कम किया गया, पहले 210 डेज था अब 150 डेज हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्विजिशन, कहीं पे भी एक्वायर करना, कोई लैंड एक्विजिशन हो गया, मर्जर करना, कोई कंपनी को मर्ज करना है या फिर कुछ भी, या एमलगमेशन यानी कि एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी को जोड़ना है, तो ये सारा जो काम होता था इसको भी यहाँ पे इसका टाइम लिमिट जो है वो 210 डेज था, अब इसको कम करके 150 डेज कर दिया गया है। साथ ही जो डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन का उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, इसमें ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड किया जा रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि 2000 करोड़ से ऊपर है। साथ ही जो प्रोविज़न है डील वैल्यू का उसको ऐड किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे पेनल्टी को भी इन्हांस किया जा रहा है, जो कि पहले 5 करोड़ था अब इसको 1 करोड़ से इसको 5 करोड़ कर दिया गया। नेचर ऑफ पनिशमेंट अगर हम लोग देखें कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि अगर मान लो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी यहाँ पे प्रोविज़न है उसके साथ कंप्लाइंस नहीं किए और जो भी डायरेक्शन यहाँ पे डीजी के द्वारा दिया जा रहा है, तो अगर वो सब काम नहीं किए तो यहाँ पे ऑफेंसेस अपराध है, उसमें कहीं ना कहीं पेनल्टी लगेगा। साथ ही डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बिल में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है कि वो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करें, लेकिन प्रायर अप्रूवल यहाँ पे सरकार से लेने की ज़रूरत है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनके पास पावर है कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो कि सर्च और सीजर ऑपरेशन होता है कि सर्च करो और कुछ भी अगर अवैध रूप से कुछ पाया गया तो उसको सीज कर लो। साथ ही इससे पहले आप देखो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर था कि वो अपॉइंट करे डायरेक्टर जनरल को, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे CCI को कह दिया गया कि आप अपॉइंट करो, लेकिन हाँ फिर भी अप्रूवल तो गवर्नमेंट से ही लेना है। साथ ही सेटलमेंट और कमिटमेंट फ्रेमवर्क को इंट्रोडक्शन करने के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही एक लेनेंसी जो प्लस यहाँ पे मैकेनिज्म है उसको भी इंट्रोड्यूस करना है और ये भी अलाउ किया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि एडिशनल वेवर दे, यानी कि पेनल्टी वगैरह जो लगाया जा रहा है उसका यहाँ पर छूट देने का भी बात किया गया है वैसे एप्लीकेंट को जो कि अपनी एग्जिस्टेंस डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। साथ ही एग्जेम्प्ट करना है ओपन मार्केट परचेज को और स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन को, ठीक है, तो ये सारा बात है। अब ये जो हम लोग नया अमेंडमेंट कर रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो हमारे देश के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा विथ न्यू मैकेनिज्म, यहाँ पर डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। साथ ही स्टैटटरी जो बेसिस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो एक्सपीडियस अप्रूवल है कॉम्बिनेशन का उसको अनेबल करना है और जो लेनेंसी प्लस यहाँ पे मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे आपका बेटर तरीके से हो पाएगा, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करना कहने का मतलब है, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो पाएगा, ठीक है। सेटलमेंट और कमिटमेंट फ्रेमवर्क भी है जिससे यहाँ पे लिटिगेशन कम हो पाएंगे, कुछ पार्टीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी मदद मिल पाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस सही तरीके से नहीं होता था, अब यहाँ पे बेटर तरीके से होगा। पेनल्टीज़ वगैरह यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे जो पेनल्टीज़ का चार्ज है 5 करोड़ तक वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और करेक्शन की जाएगी जो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है, ठीक है। साथ ही कंक्लूजन में अगर हम लोग बात करें तो डिटेल रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस हैं जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया है इस बिल के प्रोविजन के तहत, जिससे क्या होगा कि फर्दर जो क्लैरिटी है, कुछ वर्ड्स की क्लैरिटी है वो निकल कर आएगी, कुछ रिमेन कंसर्न रह गया था पहले वो यहाँ पे ओवरकम हो पाएगा। साथ ही जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इससे क्या होगा कि हमारा जो डायनेमिक नेचर है मार्केट चेंजेस का वो यहाँ पे बेटर तरीके से, जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रही है उसी तरीके से यहाँ पे काम हो पाएगा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह, और कंपटीशन एक्ट जो 2002 है इसको हम लोग मॉडर्न कंडीशन के साथ सिंक्रोनाइज भी कर पाएंगे। ओके, ये सारी बात है, लेकिन अब इस बिल में भी फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल कोई भी एक्ट जो है वो 100% करेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या है कि बर्डन बढ़ जाएगा पार्टीज़ का कि वो यहाँ पर डिटेल इंगेजमेंट करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और वैसे भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो काम है उसको बढ़ा दिया गया है।
एम्बिग्यूटी है वो भी इंटरप्रिटेशन का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मटेरियल इन्फ्लुएंस, किस तरीके के मटेरियल है जो वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी, तो इसको डिसाइड करना भी एक अलग ही यहाँ पे आप देखो परेशानी है। कंसिडरेबल टाइम, जो कि टाइम प्रेशर है पार्टीज़ और CCI के बीच में, साथ ही आप देखो कि फ्लड ऑफ एडिशनल ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन्स भी जो है यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड हो रहा है क्योंकि लो थ्रेशोल्ड है यहाँ पे। फाइन, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अदर प्रोविज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपील भी किया जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसके पहले, अगर CCI के ऑर्डर नहीं पसंद है, ठीक है, कहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट में अपील भी कर सकते हैं। साथ ही CCI को यहाँ पे पावर दिया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस डिक्लाइन कर सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे 3 ईयर है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह फाइल कर सकते हो। चेयरमैन एंड अदर मेंबर जो CCI के हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है कि वो 2 ईयर तक ही रहेंगे, पहले 1 साल तक था। एडिशनल क्वालिफिकेशन रहा है मेंबर्स का कि कुछ टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी उनको यहाँ पे उनके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो इस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ब्रॉड किया गया है जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है उसके स्कोप को, क्योंकि आज की डेट में आप देखो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो गया, ई कॉमर्स से भी रिलेटेड हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसको इंक्लूड किया गया होगा, एंटी कॉम्पिटिशन जो यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में देखा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी स्टार्ट कर सकती हूँ बट क्या है कि ये काफ़ी अच्छी टॉपिक है, काफ़ी लेंदी है, तो इट विल टेक टाइम टू कम्प्लीट, सो दैट्स वाई मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल मैं इसे स्टार्ट करूँगी जिससे कि बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको समझ सके और मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर सकूँ। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, डेली बेसिस पे इसी तरीके से हमारे साथ VZNIS की मैगजीन सुनने के लिए, यहाँ पर डिस्कशन को डील करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना, थैंक यू।